मसला है। यहाँ पे सर रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने एक भी रोजगार नहीं दिया है, आजमगढ़ में एक भी विकास का कार्य नहीं। कौन रोजगार दे? अगर विकास किया तो राम क्यों? बार बार राम ही हर मुद्दे पे राम। अरे राम कैसे? इसलिए माँ दुर्गा है, भोलेनाथ है, केवल राम के अटेंडर लिए है। ठीक है, विधायक आज तक अपने गांव का रोड, अपने नाली, पूर्वी माता का स्थान है वो नहीं। हाँ बताइए। हमारे सपा के भाई लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, यही सपा की सरकार में विश्वविद्यालय को बलिया भेजा गया। हमारी योगी जी की सरकार ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम। सर एक विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, वो जब वर्ष भर बंद रहना है तो यह विश्वविद्यालय किस चीज के लिए खोल रहा है? विश्वविद्यालय 5 ईटा रखने से विश्वविद्यालय बन जाएगा। आप बहुत बोल चुके। आजमगढ़ में अभी अवैध शराब पीने से कई लोगों की हत्या, कई लोग मर गए, उसमें अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि सपा के लोग इन्वॉल्व भी है, उसमें सपा के भाई क्या करेंगे? रुके, हम सीधा समाजवादी से पूछना चाहते हैं, यहाँ के 40 साल के विधायक हैं, उनका घर मंचोवा है, अपने घर के रोड नहीं बना पाए, ऐसे हमको प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। आप बताएं कि अपने गांव की रोड कब बना पाए? ठीक है, बोल। कह रहा हूँ जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। 10 को आ रहे हैं अखिलेश, ये जब कहते हैं तो जरा आजमगढ़ में देखिए कि एक बहस करने में आपको क्या कंडीशन बना के रखी इनके कार्यकर्ताओं ने। तो इसी पर मुझको कहना है, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, पब्लिक के लिए संदेश है। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे विकास पे बात नहीं करेंगे। 40 साल सदर खुशहाल, अपनी बात पता नहीं। ठीक है, ठीक, चलिए अब आप लोग का जवाब। लगभग एक साल खाली जमीन सड़क पे, उस वक्त गुट्टू मिश्रा कहाँ पे मौके में तुमने परेशान किया? मैं अगले यादव से बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी को, आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी कहते हैं, लेकिन 17 में जिताया, फिर 19 में जिताया, 19 के बाद कोरोना काल आया, अखिलेश यादव ने कितने बार आया और आज आजमगढ़ से चुनाव लड़ के पूछ लेते। आप बताइए। बिल्कुल नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। चलिए नेताओं से जवाब ले लेते हैं। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, ये आजमगढ़ है और किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए कुछ अब जवाब ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि अखिलेश यादव नजर नहीं आए, बार बार लोग पूछ रहे हैं, सड़कों का मसला आ रहा है, तो ये मुद्दे क्यों हैं आज? मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, आप लोग एक चीज़ समझ लें, आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाने वाली समाजवादी पार्टी है, हमने कमिश्नरी बनाई, नहीं तो आजमगढ़ में कमिश्नरी कहाँ थी? हमने कलेक्ट्रेट भवन बनाया। साथियों शांत हो जाओ, आपकी पूरी आवाज जा रही है। बोलिए जी। हमने आजमगढ़ के विकास में, हमने पीजीआई बनाया, पीजीआई आजमगढ़, पीजीआई सैफई की तरह, जैसे पीजीआई लखनऊ है उस तरह के पीजीआई हमने आजमगढ़ को दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी का कर्म क्षेत्र है ये, उन्होंने कर्म क्षेत्र समझा और इसको यहाँ बनाया। आप रोडों का हाल देख लें, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, आप आजमगढ़ की रोडों पे चल रहे होंगे, क्या किया इन लोगों ने? ये फरे भी लोग वो हंस रहे हैं आपके जवाब पर, आप सड़कों के सवाल पर हंस क्यों रहे? इतना हंस सुनाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अपना दुर्गा प्रसाद यादव विधायक का एक काम जिला में बता दे, सदर विधानसभा में एक काम, सिर्फ इनका काम दुर्गा प्रसाद यादव का काम रहा 40 वर्षों में ठेकेदारी करना और विद्यालय पर अपने निधि को बेचने का इन्होंने काम लिया है। इसी नाते सदर विधानसभा में मन बना लिया है कि दुर्गा प्रसाद यादव को पूरी तरह हराने का काम करेगी।